मेरा नेक्स्ट वीक का फोरकास्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत। पिछले कुछ वीडियो से मेरा सब्सक्राइबर लोग जो सब्सक्राइबर है वो लोग कॉम्प्लेन कर रहे थे कि मेरा साउंड में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं माइक्रोफोन चेंज किया है और नया माइक्रोफोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को साउंड में और प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पिछला दिन आपका 23rd सितंबर था। 23rd सितंबर मतलब सन का डिक्लिनेशन 180 डिग्री में था। तो मूव आना चाहिए था, मैंने बोला भी था। पहले कुछ 1 घंटे तक तो मूव था अच्छा, लेकिन उसके बाद मूव बंद हो गया। 3 घंटे तक सेम लेवल पे मार्केट घूमता रहा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 3 घंटे। तो यहाँ पर शायद बहुत लोगों का स्टॉप लॉस लगा, बहुत से लोगों का लॉस हुआ है, मेरा भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। वो मेरा ही दोष है, अलग बात है, जो भी है। तो इसका कुछ रीजन तो होगा। देखिए उस दिन मार्केट में ये जो मूवमेंट हुआ, इसका पीछे मैं तो कोई रीजन खोज के नहीं पाया। जो जितना मुझको पता है कि अमेरिका में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वहां पर लगभग रिसेशन चालू हो गया है। मेरा दोस्त ने बताया कि उसका जो पेरेंट कंपनी है वो इंडिया में काम करता है, लेकिन उसका जो पेरेंट कंपनी है उसमें से उसका ऑर्डर निकल गया। वहां पर आपका लोगों को लेना बंद कर दिया है, नया लोगों को रिक्रूटमेंट बंद हो गया है, रिसेशन ऑलमोस्ट चालू हो गया है। तो इसके इसका इफेक्ट मार्केट में तो जरूर दिखेगा, लेकिन अभी नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा, और कुछ महीना बाकी है। फॉल या क्रैश जो भी आप कहे उसको आने के लिए, क्योंकि इतना दिन तक कोविड के लिए लॉस, आपका रशिया यूक्रेन फाइट के लिए इतना सारा लॉस, इसका इफेक्ट तो मार्केट में दिखेगा ही। तो जो भी है, चलिए अभी इसमें क्या हो रहा है, मैं भूल गया ऐड करने। अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी चाइना ताइवान का हालत ठीक नहीं है, वहां पर वार छेड़ने का एक पॉसिबिलिटी है। जापान भी उसके अंदर चला गया है उसका। तो इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर लोगों को एक ही ऑप्शन खुला हुआ है, वो इंडिया। इंडिया में पैसा पंप अप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर पैसा ढाला जा रहा है FII द्वारा। तो मार्केट को अभी वो लोग सपोर्ट दे रहे हैं। जहाँ पर US मार्केट नीचे आ रहा है, तो इंडियन मार्केट ऊपर में एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। तो थोड़ा सावधान रहिए, जिस दिन ये सपोर्ट हट जाएगा उस दिन बड़ा सा क्रैश आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीक का जो होने वाला है, जो इवेंट एस्ट्रोलॉजिकल होने वाला है, मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता दूं, ज्यादा कुछ बताने का मुझको आज इच्छा नहीं कर रहा है। जैसे सन कल कल क्या होगा, आपका सन एंड मार्करी का डिक्लिनेशन मैच होगा, मून का डिक्लिनेशन 180 डिग्री होगा, जिससे आपका मतलब मून इक्वेटर क्रॉस करेगा, मून का डिक्लिनेशन जीरो। तो जिससे ट्रेंड चेंज होता है, सन जुपिटर का 180 डिग्री का डिफरेंस होगा, मार्करी वेनस का 0 डिग्री आपका प्लैनेटरी पोजिशन होगा, मतलब कॉन्जंक्शन होगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा आज रात को, 3:30 बजे आपका अमावस्या लगेगा, ठीक है, अमावस्या लगेगा। तो इसका इफेक्ट मार्केट में कल जरूर दिखेगा 26 को, ठीक है। कल एक अच्छा मूवमेंट आने के लिए आप लोग आना चाहिए, आप लोग तैयार रहिए। मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है।
तो मरकरी का 180 डिग्री डिक्लिनेशन होगा, जुपिटर 0 डिग्री डिक्लिनेशन होगा, मरकरी जुपिटर डिक्लिनेशन मैच होगा, मार्स एंड सैटर्न का 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो कल परसों और 30 तारीख गैन का प्रेशर डेट है। ये 3 दिन आपका ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा दिन रहेगा। कल पॉजिटिव होना चाहिए और परसों मेरे हिसाब से थोड़ा नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, नेगेटिव होना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ना करने से पहले मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से परसों नेगेटिव होना चाहिए। और 30 तारीख को गैन का प्रेशर डेट है, अच्छा मूवमेंट होगा, आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, तो मेरा वीडियो मैं यही तक खत्म कर रहा हूँ। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, गुड नाइट दोस्त। और जाते हुए मैं एक एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा एक कोर्स चलता है और उसमें मैं WD ज्ञान का कैलकुलेशन, आपका स्क्वायर ऑफ नाइन, सर्कल चार्ट, हेक्सागॉन चार्ट, ये सब के बारे में पढ़ाता हूँ। उसका कैलकुलेटर में बनाना सिखाता हूँ, डायनामिक लेवल वाला कैलकुलेटर नहीं, जिससे आप WD ज्ञान का स्क्वायर ऑफ नाइन कैलकुलेट कर सके, एक्यूरेटली उसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में डिक्लिनेशन, सॉरी, उसके बाद में वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, और लास्ट में मैं मेरा खुद का बनाया हुआ मैं कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ। अगर कोई आप में से इसमें इंटरेस्टेड है तो मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाइए। शुक्रिया, ओके, गुड नाइट।